ऐसा है कि दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। ये शुरुआत है तो क्यों विपक्षी पर ये होता है, सत्ता वाले के साथ क्यों नहीं होता है? सनाजारी की छाती पे लात रख के राजनीति की है, पता है आपको? 12-13 साल हो गए बीजेपी के शासन को, मुझे एक भी सेंटर के मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जो किसी करप्शन केस में आया हो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री और कई सारे विभागों को संभालने वाले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा हो गई है। अब जब सिसोदिया गिरफ्तार हो गए हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कैसे नहीं करते? पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। विरोध प्रदर्शन के बाद नतीजा क्या निकला? सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड बढ़ा दी और सिसोदिया जो है वो सीबीआई के कब्जे में। इस विषय पर जानने के लिए, लोगों से बात करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं सीपी, और सीपी पहुंचकर हमारी होती है लोगों से बात। तो जानने की कोशिश करते हैं कि मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे, क्या ये सच में आरोप सही है या फिर सिसोदिया जिस तरीके से कह रहे हैं कि झूठी बातें, झूठे लोग फंसाया जा रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, सिसोदिया पर जो आरोप लगा है और सिसोदिया को जो गिरफ्तार किया गया है, कैसा मामला है ये, सही है जनता के नज़र में? ऐसा है कि दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। आप ये बताओ कि जब से ये सत्ता में आए हैं, झूठ बोल करके आए, उसके बाद किसी वादे को पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था 1.5 लाख वो लग जाएंगे, कैमरा लगेंगे, लगे क्या? 100 स्कूल बनेंगे, बने क्या? 5 कॉलेज खोलेंगे, खोले क्या? हर चीज़ में घोटाला है। आज ये बताओ मुझे, मोहल्ला क्लिनिक का नाम क्यों नहीं लेते? इसमें भी फ्रॉड है, इसमें भी इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया खाया है। नए स्कूल, वो केजरीवाल मॉडल, दिल्ली मॉडल, वो सारा कहाँ गया? अभी तो सत्येंद्र जैन अंदर गया है, अब सिसोदिया जाएगा, और उसके बाद केजरीवाल के गिरेबान पे भी हाथ जाएगी। तो सिसोदिया तो चले गए, अभी तो रिमांड पे है ना, तो ये जेल में जाएगा, कोर्ट ऑर्डर करेगी, जैसे सत्येंद्र जैन सड़ रहा है ना जेल में, ये भी सड़ेगा, और उसके बाद केजरीवाल का नंबर है। अभी अभी ये शुरुआत है, और स्कूल की बिल्डिंग बात है, ये शुरुआत है तो क्यों विपक्षी पर ये होता है, सत्ता वाले के साथ क्यों नहीं होता है? ठीक है, ये भी क्यों नहीं जेल में जाते हैं? ये भी सवाल, करोड़ नौकरी कहाँ गई? वो करेगा वो भरेगा, सत्ता करेगी तो सत्ता भी जाएगी। जनता जनता से बढ़ के नहीं है सत्ता, सत्ता भी हिल जाएगी अगर सत्ता करेगी तो। ठीक है, देखो ऐसा है, इस पर डांस करना अलग बात है, ऐसा है, 12-13 साल हो गए बीजेपी के शासन को, मुझे एक भी सेंटर के मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जो किसी करप्शन केस में आया हो। ठीक है, एक भी करप्शन में नहीं आया, सब लोग करप्शन में है, एक भी नहीं है, सभी लोग करप्शन में है। अटल बिहारी की सरकार के अंदर बीजेपी का एक भी नेता मिनिस्टर बिल्कुल नहीं। अभी जो राजनीति हो रही है, मुझे नाम बताओ, वही मैं बता रहा हूँ, मुझे नाम बताओ, बता रहा हूँ, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया आज तक जिसने पब्लिक का फायदा कराया है, ये बतलाइए आप। मैं दिल्ली का रहने वाला, मेरा बाप दादा परदादा, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जिसने पब्लिक के लिए फायदा कराया हुआ। करप्शन जो करेगा भरेगा, मगर मुख्यमंत्री ऐसा कोई नहीं आया, मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कभी नहीं। जब जब ये खराब है, ये बहुत ही खराब है, तो पिछली सरकार, पिछले चुनाव में दिल्ली का पूरा शासन लग गया था हराने के लिए, पूरा भारत का, भारत के मिनिस्टर यहाँ दिल्ली में आकर के कैंपेन कर रहे थे, फिर भी क्यों नहीं अपना 104 सीट आई है कॉर्पोरेशन में, बराबर की टक्कर ली है बीजेपी ने, और केजरीवाल जो है वो नीचे गया, अभी वो हारेगा, वो अभी 104 बहुत खराब है, केजरीवाल बहुत खराब है, जो काम करेगा उसका नाम होगा। मैं किसी पार्टी का नहीं मंत्री, लेकिन जो सही है वो गलत है उसका आकलन करना चाहिए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन हम ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं आया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में, मिनिस्टर जेल में, करप्शन के केस में 3 मिनिस्टर और इनके 6
इनके छह लोग जो कोर्ट भेज रही है, कोर्ट भेज रही है इनको, तो इनको इनको सरकार नहीं भेज रही, इनको कोर्ट जेल में भेज रही है। एक बात कहूंगा, तो ये बोलेंगे देश मोदी जी का है, ये तो बोलेंगे देश मोदी जी का है। कल को सुप्रीम कोर्ट, आपको आपत्ति है ना, सीबीआई बिक गई, ईडी बिक गई, ये कहना है ना आपका, कल को सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दे, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया, क्या दिन है किसकी? इंडिपेंडेंट, चार बजे कोर्ट कौन खुलवाता है? इंडिपेंडेंट भाई साहब, इंदिरा गांधी के टाइम में भी ऐसी था, जो कांग्रेस के टाइम में पॉलिसी थी आज वही पॉलिसी चल रही है। देखिए इनको अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वो नहीं है, तो ये तो तरीका नहीं हो गया ना सर, जब कोर्ट की बातें नहीं मानी जाएगी। कोर्ट की बात मानना चाहिए, लेकिन ईर्ष्या द्वेष की राजनीति ना हो तो इस पर कैसी राजनीति हो रही? ये 100% ईर्ष्या द्वेष की राजनीति हो रही। तो क्या शिक्षा मंत्री को, मेरे सवाल सुनिए, तो क्या शिक्षा मंत्री को शिक्षा के मामले में गिरफ्तार किया गया है? शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किया गया है, शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार किया गया है तो अभी पूछताछ ही तो जारी है, तो क्या कौन सा केस में गिरफ्तार किया गया है वो बताइए? बहुत सारे केस लगे, 120 भी लगे हैं, मिथ्या के आरोप के लगे हुए हैं, लोक अभिनियोजन के हैं, बहुत सारे केस। जांच हो गया, जांच हो रही, उसी हो गया, बिल्कुल हो रहा है उसी के, मैं पूछ रहा हूँ हो रही है ना, तो जांच होने से पहले जेल में कैसे? नहीं, रिमांड पे है ना, इसका जवाब मैं दूं। जांच होने से पहले जेल में कैसे? तो इनको पता नहीं है, अगर कोई भी केस होता है, एक मिनट, एफआईआर होती है क्या? फर्स्ट एफआईआर पे क्या जेल में डाला जाता है? नहीं डाला था ना, इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में सबूत मिले तो उसको उठाया जाता है। और एक चीज, कानूनी अधिकार मनीष सिसोदिया के पास भी है, अगर उसके पास सबूत है कि वो बेगुनाह है, कोर्ट में रखे, उसी वक्त जमानत मिल सकती है। क्यों उसको रिमांड में लिया गया? क्यों उसको 5 दिन की उनको मिला ना कस्टडी मिली ना, क्यों? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मानकर चलिए मेरे या आपके ऊपर में एक केस लग गया, एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस हमारे साथ सबसे पहले क्या काम? जांच करेगी, जेल में डालेगी। जांच करने के बाद जब उसके पास सबूत आ जाएगा तो जेल में डालेगी। तो पुलिस के पास, सीबीआई के पास सबूत नहीं है? क्या सबूत है बताएं? बिना सबूत के बताएं, सीबीआई सबूत बताएं, बिना सबूत के इसके अधीन है? ऐसे कहेंगे तो हर चीज केंद्र सरकार के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ें। है यही होता है, बताइए। फिर इन भाई साहब से एक क्वेश्चन पूछूंगा। है भाई साहब, एक मिनट, बड़ा मुखिया तो अरविंद केजरीवाल है, तो ये छोटे छोटे प्यादों को क्यों पकड़ रही है? अगर सीबीआई का ही दुरुपयोग करना है तो राहुल गांधी बाहर क्यों है? सोनिया गांधी बाहर क्यों है? फिर एक मिनट, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं, क्यों क्यों बाहर है? हमारे प्रश्नों का उत्तर एविडेंस है ना, एविडेंस किसके अगेंस्ट है? जिस समय पिछले चुनाव में, जब पिछला चुनाव हुआ था, तो रोजगार पोर्ट नहीं मांगे लोग, पुलवामा हमला और बाडरा जाँच। अभी कहाँ गया बाडरा? अभी क्यों नहीं जाँच हो रहा है? चुनाव आता है न्याय प्रणाली ना, 70 सालों में एक मिनट, चुनाव आएगा, 70 साल आएगा तो टीवी पर आधा टीवी में कट दिखाया जाएगा, पुलवामा हमला, बाडरा जांच, अभी जांच बाडरा के क्यों नहीं हो रहा है? पुलवामा हमला कोई क्या की बात है कि हमारे 40 जवान शहीद हुए, उनके ऊपर भी ये राजनीति करते हैं। ले रहे हैं क्या? फिल्म बनी थी वो, अभी बढ़ा की जांच क्यों नहीं हो? हमारे जवान वहाँ शहीद हुए, जांच क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है? बेल पर है, वो बेल पर है, ये कानून देखिए, ये 70 साल राज करने के बाद ये कानून व्यवस्था दी है, 4 करोड़ पेंडिंग है, ये किनके राज में बने हैं? ये कानून कमजोर देने का वादा था, टाटा किसके, नौकरी कितना मिला? तो क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात आएगी तो आप 2 करोड़ नौकरी पे पहुंच जाएंगे? नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। बताइए, सीनियर सीटर में सब आते हैं नहीं, रेलवे में बंद कर दिया उन्होंने। दिक्कत क्या है? सीनियर सीटर का बंद कर दिया, रेलवे की नर जगह के ऊपर बोले जाता था ये तोता है, 2014 से पहले ये तोता बनकर घूमती थी, आज जब वो आ जाता है, जो बीजेपी में आ जाता है वो गंगा जल से स्नान हो जाता है, गंगा जल से साफ हो जाता है, जो बीजेपी में आता है वो गंगा जल से साफ हो जाता है। ऐसा है और कुछ नहीं, के ये वही लोग बोल रहे हैं कि ये सारी एजेंसी जो हैं वो मोदी के नाम पे काम कर रही हैं, इनको, ये वही लोग हैं जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पर, जबकि सारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए, सारी एजेंसी की पावर खत्म हो गई, तब कोई नहीं बोला, आज इनको याद आया, जब खुलेआम बोल रहे हैं, हर चैनल पर बोल रहे हैं, उसके बाद कहते हैं सारी एजेंसी, सारे जो क्या कहते हैं न्यूज़पेपर हैं वो सारे इसके फेवर में बोल रहे हैं, ये सब
ढोंग कर रहे हैं। ठीक है अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी। केजरीवाल अगर अगली बार चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे दोष चला जाएगा। ये सब हम नहीं मानते हैं, ये सब हम नहीं मानते। तो फिर आप बोलेंगे सारी चीजें चुनाव आयोग भी केंद्र सरकार के। हम किसी पार्टी के नहीं है, ये लोग पार्टी के हैं। ये पार्टी सिसोदिया गलत किया है तो उसको जेल में जाना चाहिए, उसको जेल में जाना चाहिए, उसके ऊपर सजा होना चाहिए। अभी ये कह रहे थे, इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी है। शराब नीति सही है, एक एक दिल्ली का घर तोड़ रहे हैं, इससे गंदा काम पूरे देश में किसी ने इतने नहीं किया। या इससे पहले से था, अरे साढ़े आठ सभी स्टेटों में है, मगर वायदा सिर्फ एक ऐसी स्टेट है जो एक के साथ एक फ्री दे रही थी। किसने दिया ये तो गलत किया, ये एक साथ फ्री लाइसेंस किसने दिया? एक मिनट लाइसेंस छोड़िए, एक मिनट पूरे देश में शराब बिकती है, पूरे देश में शराब बिकती है। हर बार शराब के ऊपर, गुटके के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है, कम से कम यूटिलाइज हो। ये रेवेन्यू तो है सरकार के लिए, मगर ऐसा रेवेन्यू जो चाहता है कि कम से कम यूज हो, आम आदमी के पकड़ से बाहर हो सके। हर बार क्यों, हर बार जब बजट बनता है तो इस पे अतिरिक्त वैट लगता है, जीएसटी लगेगा, क्यों लगता है ना, मगर सिर्फ और सिर्फ ये आम शराब पार्टी है, इसका चीफ मिनिस्टर भी शराबी है। सरदार जो बाकी उधर पंजाब में है, चीफ मिनिस्टर देखो चुन के बनाया शराबी, तो ये शराबी पार्टी है, शराबी पार्टी है, शराबी पार्टी है। नहीं ठीक है, तो सवाल ये, इतना गंदा काम आज से पहले 70 सालों में भी नहीं किया किसी नेता ने। एक एक घर दिल्ली का टोड़ा जा रहा है, आपको पता है, एक एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है दारू पी के। इस पे क्या जवाब देंगे अंकल, इनको शराब पीने मिल रही तो ये तो समर्थन कर रहे हैं भाई। उन महिलाओं से पूछो, बच्चों से पूछो, बेटियों से पूछो, इनसे पूछो, इनके लिए शराब मिल रही सही है केजरीवाल? 70 सालों में नहीं हुआ। ठीक है, आप अगर आम आदमी पार्टी के नहीं है तो उसके प्रवक्ता मत बनो। ही मैं जनता हूँ और जनता से ही सवाल पूछना चाहिए, चमचों से नहीं पूछना चाहिए। जो पार्टी के लोग हैं उससे सवाल नहीं पूछा चाहिए। नहीं तो यहाँ आपको कौन पार्टी का ही होगा? नहीं, 104 सीटें अगर यहाँ पे भी मिली है ना, और वो वोटर जो है वो भी किसी की ना विचारधारा के साथ जुड़ा है, आप उनको चमचे कहेंगे? किसी के चमचा है वो सही कभी नहीं, व्यक्ति किसी का चमचा नहीं होता। पहली चीज ये बात, एक कट्टर चमचे ये अब्यूजिंग लैंग्वेज है। नहीं, ऐसी लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे और हम चाहते भी नहीं है कि आप करें। नहीं सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। आप भी अपने विचार रखिए, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता बनकर नहीं आए, ना कोई और पार्टी का प्रवक्ता बन के आया है। सब अपना अपना पक्ष रख रहा है और मैं चाहता हूँ कि सब अपना अपना पक्ष रखे। एक बात बताइए, बीजेपी का 4 गलती बता दे लोग, आप ही बता दीजिए। नहीं मैं नहीं, आपको पता है तो आप बता। नहीं नहीं, ये लोग बताएं, आपको पता है तो बता दीजिए। 4 मैं बताता हूँ, धारा 300 पार्टी के नहीं है। अरे सुनिए भाई साहब, ऐसा नहीं है ना सर, आपको पता है तो आप बता दीजिए और उस पर काउंटर लेते हैं, उनसे पूछते हैं, आप बताइए, उनसे पूछेंगे। बताता हूँ, धारा 370 तोड़ना पहली गलती, हिंदुस्तान पे कलंक था वो पहली गलती थी, बीजेपी को नहीं करना चाहिए था। कटाक्ष कर रहे हैं, अरे कटाक्ष सुनो ना, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए आप लोगों में, भक्त लोग से। अरे हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा दूसरी गलती सुनो, जो राम मंदिर का मुद्दा 500 सालों से अटका हुआ था, खुश हो जाएंगे। 500 सालों से अटकाने का काम किसने किया? बात समझ गया, छोड़िए सिसोदिया से, आप लोग सिसोदिया से हिंदू मुस्लिम हो जाता है मुद्दा, सिसोदिया पर ही रहते हैं। सिसोदिया की जो कहानी है, अब इसमें सीबीआई को आगे क्या करना चाहिए? सीबीआई को निष्पक्ष जांच करना चाहिए, और दोषी है तो जेल में डालना चाहिए, अगर दोषी नहीं है तो अगर उसका मानहानि हुआ है उसको भी भरपाई करना चाहिए। ठीक है, सिसोदिया पे क्या करना चाहिए? ये डिसाइड सीबीआई करेगी या सिसोदिया करेगा या आम आदमी पार्टी करेगी? दिल्ली की जनता को क्या लगता है? देखिए मैं बताऊं आपको, सिंपल बात है, इसको छोड़ दीजिए, कि अगर दोषी है तभी वो कस्टडी में गया है। देश की जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं बनाया जा सकता 140 करोड़ लोगों को। जो 2 बार लगातार मोदी आया है ना, उसके कर्मों से आया वो। तो क्या केजरीवाल अपने कर्मों से नहीं आया? बिल्कुल आया, अपने कर्मों से ही आया है। एक एक आदमी ने
मैं ये है पार्टी है ठीक है, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मैं शेयर हो रहा हूँ भाई, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पब्लिक क्या सोचती है यार, नए को मौका दो, नए को मौका दे दिया मौका। अन्ना हजारे की छाती पे लात रख के राजनीति की है, पता है आपको। और क्या बोल के आए थे स्टेज पे, मंच पे क्या बोल के आए थे, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ेंगे, वो नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। मानकर चलिए, मानकर चलिए, मान लेते हैं, याद करो दिल्ली की, मान लेते हैं आपकी बात। पहला चुनाव इस दम पर जीत लिया, दूसरा चुनाव कैसे जीता? यही तो है यार, भ्रष्टाचारी आ रही, तुम्हें पता है दिल्ली का पूरा पैसा पंजाब जा रहा है। सर जी कौन दे रहा है? शिक्षा, शिक्षा और शराब का क्या मतलब है? शिक्षा का भी उसने इतना अपमान किया है जितना दुनिया में अपमान नहीं। गुजरात में इलेक्शन लड़ा गया, सारी सीटों पे इनके उम्मीदवार खड़े हुए, 90-99% इन लोगों की जमानतें जब्त हो गई वहाँ। इन्होंने, इन लोगों की क्या मील चल रही थी जो पैसा वहाँ लगाया? इन लोगों से पूछे, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली का पैसा लूट करके केजरीवाल ने और स्टेट पर लगा दिए। बाबू जी, अरे फ्री आगे आ जाए, बस में जो है ना लेडीज को फ्री क्यों बैठा रहा, किस लिए बैठा रहा? बस में लेडीज को फ्री में कौन बिठा रहा होगा? देखो ये फ्री की, फ्री का है ना, ये गलत है, 100% गलत है। बैंक में 1,00,000 ले रहा हूँ तो मुझे हक है उसका पेमेंट करना, चाहे वो बिजली है, पानी है या बस है, कोई भी है। आज वो लोग हैं बसों में जाती है ना लेडीजे, जो जिनके हस्बैंड 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, वो भी टिकटें नहीं लेते। क्यों है? क्योंकि फ्री कर रखा है। ये फ्री फ्री जो बोल रहे हैं, 2020 के बाद नया बस नहीं आया है, हम फ्री के क्या करेंगे? हमको सर्विस दो ना भाई, आप हमें सर्विस दीजिए बढ़िया, आप मेरे से पैसा लीजिए, ठीक है। फ्री का क्या करेंगे लेके? ठीक है, ये कह रहे फ्री का लेके क्या करेंगे जब बस ही नहीं आ रही? नहीं बस को लाएगा, नहीं को लाएगा, को लाएगा, आपकी सरकार लेकर आएगी। कितना बच रहा है? एक चक्कर कितना बच रहा? फ्री में कुछ नहीं ना, आप मुझे सर्विस दो, पैसा लो, आप सर्विस दो, पैसा लो, आप सर्विस दो। केंद्र सरकार से आता ही नहीं है सर्विस तो मिलता ही नहीं है। ATC के लिए भी कहाँ से? कोई नीति नहीं बनाया सर्विस के लिए। हम लोग ने कोई नीति नहीं बनाई। हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं ना साहब, देश की राजधानी है। चाचा एक मिनट सुनने दीजिए, देश की राजधानी है, इसको कैसा चमकना चाहिए? बिल्कुल, सारा संसार देखे। क्या आपको लगता है वैसा चमक रहा है? इसको चमकाइए, टैक्स और लीजिए, हम लोग मन से कमाते हैं, साफ सुथरा कीजिए, सुंदर बनाइए दिल्ली को। तो क्या ये सरकार ही सिर्फ करेगी, यहाँ के लोग नहीं करेंगे? सब लोग, सब लोग, लेकिन जिम्मेदार ज्यादा कौन है इधर बताइए? ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? किसको कहते हैं आप बताएं? रेवड़ी जब यूपी में स्कूटी बांटते हैं या पूरे देश में राशन बांटते हैं तो रेवड़ी नहीं है। दिल्ली में बिजली फ्री मिलता है, महिलाओं का टिकट फ्री मिलता है, तो ये रेवड़ी है, इसका जवाब दीजिए। तो क्या इसके लिए एक बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता था? जो सक्षम नहीं है उनके लिए फ्री कर देते? जो सक्षम नहीं है तो ये तो यूपी में भी करना चाहिए ना, यूपी में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहाँ भी ये काम करना चाहिए। तो ऐसा दिल्ली में दूसरी बात और यूपी में दूसरी बात कैसे? सरकार तो अलग है ना, अगर उनकी सोच से बेहतर है तो कर लेती। पार्टी तो एक ही है ना भाई, बीजेपी है ना सर? सर बीजेपी यूपी में है ना, दिल्ली में? सर बीजेपी यूपी में है ना, दिल्ली में तो केजरीवाल है। केजरीवाल अगर बेहतर होते तो योगी की तरह ही क्यों सोचते, कुछ बेहतर कर ले? योगी की तरह, योगी से पहले है तो योगी इनके तरह सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ मतलब योगी कॉपी कर, ठीक है, ठीक है। योगी जा करके फ्री भी और सब्सिडी में, पहले अंतर समझिए, समझना, समझिएगा तभी समझ। बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कहते हो, बताए बताए। जिससे किसी को सहयोग मिले वो सब्सिडी है, अब मुफ्त मिले वो रेवड़ी है, ठीक है।